जी जगन्नाथ, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जो आज मैं आपके लिए 13 जर्नल लाया हूँ जो कि कम्प्लीटली फ्री है, एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड। ऑलरेडी मैं देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेलिस्ट में रखा हूँ, यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलरेडी 8 जर्नल फ्री वाला कम्प्लीटली दिया हूँ, जो कि साइट स्कोर आपका 0.5 से लेके 0.8 में 13 जर्नल जो मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप एनवायरमेंटल साइंस को यहाँ पे देखो सर्च किया हो स्कोपस में, अगर एनवायरमेंटल साइंस को अगर सर्च कर रहे हैं तो आपका मिल रहा है 2961 जर्नल जो मिल रहा है, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होता है। कोई पेड होता है, कोई फ्री होता है, कोई हाइब्रिड वाला होता है, उसके बेसिस में स्कोपस में वो डाटा एंट्री हुआ है। तो चलिए अभी आज देखते हैं कि साइट स्कोर 7 से लेके साइट स्कोर 8 तक। ठीक है, तो पहला जो जर्नल का नाम है बुलेटिन ऑफ इराक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, जहाँ देख सकते हो कि 0.7 उसका साइट स्कोर है, और जो स्कोपस कवरेज यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कि 2017 से लेके 2023 तक। लेकिन आज का टाइम के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो साइट स्कोर ट्रैकर में चले जाइए 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट हुआ है। जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अभी है 11 फरवरी 2024, और यहाँ पे देख सकते हो 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है। यहाँ पे मतलब स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए, और देख सकते हो कि पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बगदाद इराक नेचुरल हिस्ट्री रिसर्च सेंटर एंड म्यूजियम। और आप यहाँ पे ISN नंबर और ESN नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। ISN नंबर हो गया 10178678, और ESN जो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में निकलता है उसका है नंबर 2311977। ठीक है, ये इसको इसलिए अपडेट मतलब आप लिख के रखो ताकि मैं 13 जर्नल के बारे में बताऊंगा तो आप एक नोट पैड लीजिए, वहां पे ISN नंबर, साइट स्कोर, और देख सकते हो कि स्कोपस कवरेज क्या है। और हम लोग एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड कर रहे थे, इसका सब्जेक्ट एरिया देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे व्यू वॉल में चले जाएंगे तो एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड देख सकते हो कि इकोलॉजी का रिलेटेड अगर ये रिसर्च वर्क है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। उसके साथ ये मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है, तो यहाँ पे जियोलॉजी का रिलेटेड अगर काम है, पेलियोन्टोलॉजी के रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके बाद इंसेक्ट साइंस, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस एंड जियोलॉजी, उसके बाद इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बिहेवियर एंड सिस्टमेटिक्स के रिलेटेड है, यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, हम लोग दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा है ये कम्प्लीटली फ्री है और यहाँ का कितना टाइम लगता है। तो ये वाला पेज आ जाएगा, तो यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो उसके पेज पे पहला वाला लिंक ही वो ओरिजिनल वाला है, तो उसको जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला पेज खुलने के बाद यहाँ पे पब्लिकेशन पॉलिसी में चले जाइए। देखो पब्लिकेशन पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, जैसे कि आप भी देख सकते हो कि कितना पैसा कौन मतलब चार्ज करता है ये जनरल। अगर डेवलपिंग कंट्रीज के रिलेटेड जैसे लिखा है फ्री ऑफ चार्ज, अगर आर्टिकल और आर्टिकल रिव्यू और ओरिजिनल आर्टिकल सबमिट कर रहे हो तो यहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। शॉर्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे अगर भेज रहे हो तो वहाँ पे भी पैसा नहीं लगता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इंडिया के जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप सबमिट कर सकते हो। अगर डेवलप कंट्रीज होगा तो उसी हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यहाँ पे क्या है फ्री है। अगर कोई ऑथर यहाँ पे इराक का अंदर मतलब रहता है उनके लिए चार्ज है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री से यहाँ से क्या मतलब चार्ज नहीं लेते, फ्री ऑफ चार्ज है। ठीक है, और देख सकते हो इसको। और टाइमिंग के बारे में देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आर्काइव में चले जाइए। आर्काइव में जाने के बाद क्या कर सकते हो कि एक इशू को सिलेक्ट कीजिए, और इशू में ओपन एक्सेस जर्नल में दिखाता हूँ, जितना भी मेरा मतलब जर्नल दिखाऊंगा सब ओपन एक्सेस रहेगा। तो इसको अंदर अगर जाके इस पीडीएफ को खोल के देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ओपन इन द न्यू विंडो मारूंगा तो खुल गया, मैं ऑलरेडी खुल के रखा हूँ। ठीक है, जैसे कि ये वाला एक रिसर्च पेपर है बुलेटिन ऑफ इराक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम का, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेपर रिसीव हुआ है 30 मार्च 2023 को रिसीव हुआ है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, अभी जूम कर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसीव हुआ है 30 मार्च 2023 को रिसीव हुआ था, लेकिन जो एक्सेप्ट हुआ था 5 जून 2023 को एक्सेप्ट हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो कि 5 जून 2023 मतलब 2 महीने में यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया था। उसके बाद और एक टू रिसर्च पेपर हम लोग देख लेते हैं, न्यू टैक्सा और डिगर वास ट्राइब ऑक्सीवेलिन उसके रिलेटेड कुछ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 9 अप्रैल 2023 में वो रिसर्च पेपर सबमिट किए थे, एक्सेप्ट हो गया था जून महीना में। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि 2 महीने के अंदर यहाँ पे
पेपर पब्लिश हो जाता है ये वाला जर्नल, मतलब रिसर्च पेपर में भी हम लोग चेक कर लिए। और तीसरा वाला एक तो देखते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च महीना में ये लोग मतलब पेपर सबमिट किए थे जो ऑथर लोग है, और एक्सेप्ट हो गया था 1 अगस्त में। तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगा है, जैसे कि मार्च महीना 3 हो गया, ये 8, तो 5 महीना लगा। तो 2 महीना से 5 महीना के बीच में यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। मैं 2 महीना का आपको दिखा दिया लाइव, मतलब पेपर को खोल के दिखा दिया। तो इस जर्नल अगर सबमिट करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आईएसएन नंबर को नोट डाउन करिए, जब सबमिट करेंगे उसके ऑथर गाइडलाइन के हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। अभी देख सकते हो कि 0.7 पहले था, आज का टाइम ही 2024 में हिसाब से ये 0.9 भी हो गया, साइट स्कोर अच्छा भी हो गया, तो इसको आप सोच सकते हो अपना पेपर सबमिट करने के लिए। तो दूसरा वाला जर्नल चलते हैं, जिसका नाम है क्वाडरनोस डे टूरिज्म, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसर्च एरिया है, सब्जेक्ट एरिया जो लिखा हुआ है, देख सकते हो कि नेचुरल एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन के रिलेटेड एनवायरमेंटल का रहेगा। तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो रिसर्च पेपर, और जो कि एनवायरमेंटल रिसर्च साइंस के अंदर आता है। और नेक्स्ट हम लोग को बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई होगा तो मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल है, तो बहुत कुछ वो एक्सेप्ट करता है, जैसे कि टूरिज्म, लेजर, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट और जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क होगा तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। और हम लोग देख लेते हैं जो स्कोपस कवरेज है 2013 से लेके 2023 तक है, तो आज का टाइम में देख सकते हो कि साइट स्कोर ट्रैकर में 0.7 था, अभी 1.0 हो गया, तो बढ़ गया, अच्छा, बहुत अच्छा बात है, साइट स्कोर 1.0 बहुत अच्छा होता है। 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है, मैं पहले से बता चुका हूँ, आज जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है 11 फरवरी 2024 का है, उसी हिसाब से अगर आप 5 महीना 6 महीने के बाद देख रहे हो, आपके हिसाब से आप जाके आईएसएन नंबर को नोट डाउन करो, ताकि वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो आप जब देख रहे हो। तो आईएसएन नंबर और ईएसआई नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हाईलाइट कर दिया, इसको क्या कर सकते हो पेपर पेन में लिख के रख सकते हो, साइड में लिख सकते हो कि इसका साइड स्कोर अभी 0.9 हो गया है, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हो गया आपका, गूगल सर्च में करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पेज क्वाडरनोस डे टूरिज्म, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद वो वेब पेज में लेके चला जाएगा। मैं ऑलरेडी सेव करके रखा हूँ, कहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीटली फ्री, तो वो उससे पहले थोड़ा स्पेस क्लियर कर देता हूँ, मेरा टैब में बहुत फिलअप हो गया है। क्या यहाँ हो गया अभी, क्या करेंगे, ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट। तो ये वाला देख सकते हो कि अभी इसको हम लोग डिस्कशन किए, तो इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, ये वाला जो जर्नल है क्वाडर्नस डे टूरिज्म जो है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाके थोड़ा सर्च कर लेते हैं, ये वाला पहला वाला लिंक आ जाएगा, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते हैं। और देख सकते हो कि अबाउट में चले जाओ, कितना प्राइसिंग उसका लेता है, ऑलरेडी मैं सेव करके रखा हूँ, देख लेते हैं एक बार। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द आर्टिकल पब्लिश्ड ऑनलाइन हैव नो सबमिशन प्रोसेसिंग एंड पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर ऑथर्स। और ये जो जर्नल है पैसा तो फ्री है, और आप देख सकते हो कि ये सही का है, देख सकते हो वेब ऑफ साइंस का है, और हम लोग स्कोपस का देख रहे हैं, तो स्कोपस का मतलब ये जर्नल में स्कोपस प्लस वेब ऑफ साइंस का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा अगर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर रहे हो। और देख लेते हैं कितना टाइम लगाता है, तो मैंने उसका एक ठो रिसर्च पेपर जाके खोल के देखा, जैसे कि ये वाला उसका फ्रंट पेज है रिसर्च पेपर का, तो यहाँ पे फ्रंट पेज में मैक्सिमम टाइम में लिखा रहता है, कोई कोई जर्नल का रिसर्च पेपर में नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो लिखा है कि उसका जर्नल में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएशन आर कम्युनिकेटेड टू द ऑथर्स विद इन 6 मंथ। तो 6 मंथ के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है कि रिजल्ट आपको मिल जाता है, जो कि जर्नल ने खुद लिखा है। और यहाँ पे देख सकते हो आटे जो प्रोसेसिंग टाइम पैसा फ्री लेता है, इसको आप क्या कर सकते हो कि स्टार्ट अबाउट द मैगजीन में अगर जाओगे, तभी हम लोग ये वाला पेज खुल के आया था जब लोग हम मतलब गूगल से जाके यहाँ पे आए थे, तो अबाउट द मैगजीन में चले जाइए, तो आपको तभी जाके मिलेगा कि कितना पैसा चार्ज करते हैं। ओपन एक्सेस पॉलिसी ये वाला हो गया, द आर्टिकल पब्लिश्ड ऑनलाइन हैव नो सबमिशन और प्रोसेसिंग और पब्लिकेशन कॉस्ट फॉर ऑथर्स, ठीक है। तो ये वाला आपका दूसरा वाला जर्नल था, तीसरा वाला जर्नल के बाद चलते हैं।
इको साइकल्स एक तो है जर्नल, और देख सकते हो 2019 से लेके 2023 का कवरेज है, और 2019 मतलब बहुत रिसेंट जर्नल है। और ये वाला देख सकते हो कि साइड स्कोर 0.7 है, तो 2023 का अभी ये हो गया, तो उसी हिसाब से हम लोग को 2024 के टाइम के हिसाब से देखना चाहिए कि ये कंटिन्यू में है कि नहीं। तो खुद को स्कोपस ने 5 फरवरी 2024 को मंथली बेसिस अपडेट में यहाँ पे दिया है, और देख सकते हो कि 0.7 से लेकर 1.0 तक ये क्या हो गया आपका बढ़ गया है, ठीक है, 1.0 उसका साइड स्कोर बढ़ गया। और ये प्योरली एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, जनरल एनवायरमेंटल साइंस, प्योर जो एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस है, इसको जाके आप गूगल को जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, ठीक है। ये जो देख सकते हो जो पहला लिंक और दूसरा वाला लिंक, दोनों लिंक का सेम एड्रेस है, कुछ अलग नहीं है, यहाँ पे डुप्लीकेट का कुछ बात नहीं है। तो ये दोनों लिंक में किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो दोनों लिंक ओरिजिनल है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि उसको क्लिक करके अंदर चले जाओ, ठीक है। अंदर चले जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं, कोई भी जर्नल फोकस करते हैं तो मैं दिखा देता हूँ कि कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं ये लोग। तो ये वाला मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हूँ, पब्लिकेशन इन इको साइकिल इज फ्री विदाउट आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एंड आर्टिकल सबमिशन चार्ज। यहाँ पे सबमिशन और एपीसी के लिए कुछ भी आपको देना नहीं पड़ेगा। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको पहले जाना पड़ेगा अबाउट द जर्नल में। तो यहाँ हम लोग ये वाला पेज खुल के आया था, तो यहाँ पे चले जाएंगे अबाउट द जर्नल में, तो इसको आप क्लिक कर सकते हो, और क्लिक करने के बाद पूरा नीचे चले आइए, हम लोग पूरा नीचे में था, तो इस तरह का आप ढूंढ के देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली फ्री है। और अभी इसको क्या करेंगे कि उसका आर्काइव में जाएंगे, तो ऑलरेडी मैं एक ठो आर्काइव में, यहाँ देख सकते हो आर्काइव में क्लिक कर रहा हूँ, और कोई एक ठो इशू में जाइए और एक रिसर्च पेपर को खुल के देखिए कितना टाइम लगता है, मतलब पेपर पब्लिश होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का आप जा सकते हैं कि न्यू ओपन लिंक इन द न्यू विंडो मार के जा सकते हैं। ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, तो उसके बारे में मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। देखो ये वाला एक तो जर्नल, उसका खोल के रखा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि इको साइकिल का, और यहाँ पे देख सकते हो कितना टाइम लगाया हुआ है, जैसे कि जुलाई महीना 2023, और यहाँ पे देख सकते हो अगस्त महीना 2022 का, 22 अगस्त 2023, मतलब 2023 का जुलाई अगस्त, मतलब एक महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है। उसके बाद और एक तो उसका रिसर्च पेपर देखोगे, वही देख सकते हो कि इको साइकिल का है, तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगता है, कम्प्लीटली फ्री है और पैसा नहीं देना पड़ेगा, और एक महीने में। यहाँ पे भी देख सकते हो कि जुलाई 2018, और यहाँ पे देख सकते हो कि अगस्त 27, मतलब यहाँ पे भी एक महीना 10 दिन के आसपास लगा है, ठीक है, आपका पेपर एक्सेप्ट होने के लिए। तो देख सकते हो कोई जर्नल को चूज कर सकते हो। टाइम के बारे में अगर देखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो जुलाई लिखा है, अगस्त लिखा है, एक महीने का टाइम लेता है यहाँ पे परफेक्टली एक महीना एक दिन का टाइम लिया है। तो आप इस तरह का जजमेंट लेके आप क्या कर सकते हो कि इस जर्नल में सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। तो अभी यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस होता है, प्रिंट वर्जन में नहीं निकालता है, इसलिए आप ये क्या कर सकते हो कि 2416214 ISSN नंबर को, ESN नंबर को आप नोट डाउन करके रख सकते हो, जिसका साइट स्कोर है अभी का टाइम है 1.0, कम्प्लीटली फ्री है, और एक महीना में वो रिसर्च पेपर पब्लिश करता है, तो इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। प्योरली एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, समझ रहे हो। तो और हम लोग चलते हैं 4 नंबर वाला जर्नल में, ठीक है, फोरम ऑफ जियोग्राफिक, ये एक तो जर्नल का नाम है, जो कि देख सकते हो 2017 से स्टार्ट हुआ है, 2023 तक स्कोपस कवरेज है। अभी देख सकते हो कि अपडेट हिसाब से 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, मतलब स्कोपस में अभी भी इंक्लूड है, कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए सोच सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो उसका ISSN नंबर को मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, तो आप इसको नोट डाउन करके लिख सकते हो कि ये भी कम्प्लीटली फ्री है, जितना भी तेरा जर्नल आज के लिए रखा हूँ पूरा कम्प्लीटली फ्री है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 0.82 उसका साइड स्कोर हो गया है, और देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया है यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड, ग्लोबल और प्लानिटरी चेंज के रिलेटेड अगर काम है आपका रिसर्च वर्क, तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके बाद अर्थ सर्फेस रिलेटेड होगा, और जियोग्राफी प्लानिंग डेवलपमेंट के रिलेटेड अगर आपका काम है, तो यहाँ पे सबमिट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, सोच सकते हो, ठीक है। तो इसको ऑलरेडी मैं गूगल में सर्च करके रखा था ये वाला, तो इसको अंदर क्लिक करके अपन अंदर चले चले जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 13 जर्नल को अभी बताने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोरम जियोग्राफिक इज एन ओपन एक्सेस जर्नल पब्लिशिंग इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल इन ओपन एक्सेस मोड, नो फीस फॉर रीडर, पढ़ने के लिए भी नहीं देना पड़ता है, नो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज और पब्लिकेशन फीस फॉर ऑथर, तो ऑथर को यहाँ पे एपीसी और पब्लिकेशन करने के लिए चार्ज कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो
तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, अबाउट में जाओगे तो ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थे तो यहाँ पे चलेंगे अबाउट द सेक्शन में, ठीक है। अबाउट द सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो एक्सेस टू आर्टिकल्स का रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर इसको आप पढ़ सकते हो तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लेता है, तो इसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगेगा, उसी को सेम प्रोसेस में हम लोग चेक करेंगे, आर्काइव में जाएंगे, कोई एक आर्टिकल को चेक करेंगे। ऑलरेडी मैं मतलब खुल के रखा हूँ तो उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी एक रिसर्च पेपर है, मैं डाउनलोड करके रखा था, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो कि फोरम ऑफ ज्योग्राफी का यहाँ पे जो है उसका फोटो लगा हुआ है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन इन बेलग्रेड सर्बिया का है 1961 से 2020 तक कितना डाटा है, उनके हिसाब से वो एक तो डाटा दिखा है, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करके दिखा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 18/10/2022 में पेपर रिसीव हुआ था और रिव्यू हुआ, उसके बाद असम ट्रांस हुआ 27/3/2023, तो लगभग देख सकते हो 5 महीना यहाँ पे रिसर्च पेपर टाइम लगा है एक्सेप्ट होने के लिए। और एक तो उस तरह का मैं जर्नल का और एक तो रिसर्च पेपर देख देता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल इंडिया का कोई लिखा है, संतोष घोष है, इंडिया का यहाँ पे सबमिट किया था। तो चेंजिंग रिवर कोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिवर रिवर एंड सोसाइटी, एक केस स्टडी ऑन पद्मा रिवर मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के रिलेटेड उनका कुछ रिसर्च वर्क है जो कि पद्मा रिवर का रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये सबमिट किए थे। और उनका रिसर्च पेपर देख सकते हो कि 20/1/2023 को सबमिट किए थे, और 22/2/2023 में उसका थोड़ा रिव्यू हुआ, और 20/3/2023 में उनका मतलब जनवरी में सबमिट किए थे और मार्च महीना पे उन लोगों का एक ही बंदा था जो संतोष घोष से लिखा हुआ है ऑथर का, तो उनका पेपर एसेप्ट हुआ था। तो 2 महीने में यहाँ पे रिसर्च पेपर एसेप्ट हुआ था, तो समझ रहे हो उसके हिसाब से आपका टाइम के हिसाब से आप माइंड में ले सकते हो कि कहाँ पे आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, उसके लिए मैं बोला कि आपको क्या करना है कि आईएसएन नंबर को एक पेपर पेन लीजिए, वो आईएसएन नंबर को लिखिए, एएसएन नंबर को लिखिए, और साइड स्कोर देख सकते हो कि 0.8 है और 2 महीना का टाइम लगाता है अभी हम लोग देखे, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग चलते हैं 5 नंबर वाला जर्नल में, ठीक है। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट उसका नाम है जर्नल का नाम, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। कितना टाइम लगेगा मैं ऑलरेडी टैब में रखा हूँ तो उसके बारे में दिखाऊंगा, ठीक है। 2016 से 2023 का उसका हो गया स्कोपस कवरेज, तो 2023 को चेक करने के लिए आज का टाइम में हम लोग चेक करेंगे। अभी देखो 0.7 से 1.2 साइट स्कोर हो गया, अगले साल 1.2 साइट स्कोर का मंथली बेसिस में अपडेट दिया है, साल भर का एवरेज लेके उन लोग निकालेंगे 2024 के लिए, 2023 के लिए, 2022 का 0.7 है और 2023 का एक ठो फाइनल एक ठो आएगा जो साल भर का मंथली अपडेट रहेगा, उसके हिसाब से एक ठो एवरेज वैल्यू आएगा। 5 फरवरी 2024 में देखो ये अपडेट है आज का तारीख के हिसाब से, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 11 फरवरी 2024 में, तो ये ऑलरेडी स्कोपस में इंक्लूडेड है, यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर सोच रहे हो तो अपना रिसर्च एरिया में है तो इसको आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। हम लोग रिसर्च एरिया में सब्जेक्ट एरिया में देख लेते हैं, एनवायरमेंटल साइंस का हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल का रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे डाल सकते हो। ये देख रहा हूँ मैक्सिमम थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी है, जैसे इंजीनियरिंग का रिलेटेड यहाँ पे भी रिसर्च पेपर डाल सकते हो, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के रिलेटेड यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हेल्थ टॉक्सिकोलॉजी म्यूटोजेनेसिस जो है कि एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है। उसके बाद मेडिसिन का पब्लिक हेल्थ एनवायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ के रिलेटेड है, तो समझ सकते हो कि ये भी पूरा कम्प्लीटली एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड जर्नल है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, ये भी कम्प्लीटली फ्री है। अभी मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पे फ्री लिखा हुआ है और कितना टाइम लग रहा है। शहीद सौदोगी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस उसका पब्लिशर हाउस है, आप इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो ये वाला आईएसएसएन नंबर को, 2476-6267 उसका आईएसएन नंबर है, ईएसआई नंबर हो गया 2476-7433, ठीक है। अभी मैं उसको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ ये वाला जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वाला हम लोग का अभी देखे थे, ये वाला जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑलरेडी खुल के रखा था। ये जो पहला वाला लिंक है ओरिजिनल वाला लिंक है, मैं 2-3 लिंक चेक किया, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिखा रहा है लेकिन ये वाला लिंक काम नहीं करता, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो खुद, टाइम हुए मतलब इन्वेस्ट करके उसको जाके चेक करिए, अगर सबमिट कर रहे हो तो अच्छे से चेक करिए। उसके बाद यहाँ पे पब्लिकेशन चार्जेस कहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ओपन एक्सेस जर्नल एंड आर्टिकल प्रोसेसिंग इज फ्री ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देना पड़ता है, एपीसी जो होता है, ठीक है। और देखते हैं ये कहाँ पे लिखा हुआ है, उसको पहले देख सकते हो कि यहाँ पे सबमिशन इंस्ट्रक्शन में जाओगे तभी जाके आपको मिलेगा, ठीक
ठीक है, कहाँ पे जाना पड़ेगा, सबमिशन फॉर ऑथर्स में यहाँ पे है, सबमिशन इंस्ट्रक्शन में हम लोग क्लिक करेंगे तभी जाके एपीसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अभी आप हाईलाइट करके रखा था ये वाला पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में लिखा हुआ है, आप फिर से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। अपना आईएसएन नंबर को अगर नोट डाउन कर रहे हो तो बाद में जाके इसको आप क्या कर सकते हो कि मतलब देख सकते हो। उसके बाद इस जर्नल का हम लोग कुछ पेपर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ मैं जूम जूम थोड़ा कर लेता हूँ। जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी 1 महीने में पेपर पब्लिश हुआ है। जैसे कि देख सकते हो 10 अक्टूबर में रिसीव हुआ था, एक्सेप्ट हुआ था नवंबर में, 1 महीने में यहाँ पे भी 1 महीना 10 दिन का टाइम में पब्लिश हुआ था। मतलब एनवायरमेंटल साइंस का मैं देख रहा हूँ कि 1 महीने में पेपर पब्लिश हो जाता है स्कोपस का। ठीक है, दूसरा वाला और एक पेपर दिखाता हूँ उसी जर्नल का, यहाँ पे देख सकते हो कि 26 सितंबर में दिया था, एक्सेप्ट हो गया था 20 नवंबर में एक्सेप्ट हो गया था। तो यहाँ पे भी अगर देख रहे हो तो 1 महीने में पेपर एक्सेप्ट हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा कभी ना कभी एनवायरमेंटल रिलेटेड एक रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश करने के लिए 1 महीने में। मैं आज तक 1 महीने में पेपर पब्लिश नहीं किया हूँ, तो इसमें ट्राई करूंगा। ठीक है, मेरा पेपर जो होता है पब्लिश होने में बहुत कुछ टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम जाता है, कभी कभी 3 महीना लगा है, 3.5 महीना लगा है, कोई कोई 1 साल 1.5 साल का लगा है, कोई कोई 8 महीने के बाद भी रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने के लिए, 1 महीने में रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे, तो आप क्या कर सकते हो आईएसएन नंबर को यहाँ पे नोट डाउन कर दो ताकि बाद में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ये दो 1 महीने में पेपर पब्लिश होता है, अभी साइट स्कोर हो गया 1.2, अभी भी स्कोपस में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो अपना रिसर्च और सबमिट करने के लिए सोच सकते हो। ठीक है, तो अभी हो गया 5 जर्नल खत्म हो गया, 6 नंबर जर्नल में चलते हैं, एक्टा सेंसिटेरियम पोलोनोरम एडमिनिस्ट्रेशन लोकोरम। ठीक है, उनका लैंग्वेज का है तो कुछ नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज में भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। 2019 से लेके 2023 उसका स्कोपस कवरेज है, उसको चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हो, देखो अभी साइट स्कोर बढ़ गया है, 1.8 से बढ़ के 1.1 हो गया है, और 5 फरवरी 2024 में मंथली अपडेट लिया है, तो यहाँ पे भी आप रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो, अभी भी ये डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। ठीक है, और सब्जेक्ट एरिया हम लोग अगर देखेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, नेचर एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन का रिलेटेड है, उसके साथ सोशल साइंस का है, ट्रांसपोर्टेशन जियोग्राफी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अर्बन स्टडीज। तो ये जर्नल का आप सिलेक्ट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो करके इसको गूगल सर्च कर सकते हो सिलेक्ट करके, ये पहला वाला जो लिंक है वही वाला मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप एंट्री कर सकते हैं रिसर्च का जर्नल में। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लगा रहा है नेट में, देखो मैं ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो पब्लिकेशन इज फ्री ऑफ चार्ज, तो इसको आप ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा ऑलरेडी मैं बता देता हूँ, सबमिशन में जब जाओगे तभी जाकर मिलेगा। तो ठीक है, ये वाला पेज अभी खुल गया है, तो यहाँ पे आप जाओगे सबमिशन में, सबमिशन में जब क्लिक करोगे तभी जाके आपको मिलेगा, नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आज जो 2020 जर्नल इज पब्लिश ओनली इन इंग्लिश, तो इंग्लिश का हम इंडियन तो इंग्लिश में लिखते हैं, तो यहाँ पे आप कर सकते हो कि सबमिट, और पब्लिकेशन चार्ज कम्प्लीटली फ्री है, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आप रिसर्च पेपर सबमिट करके अपना स्कोपस वाला पेपर पब्लिश कर सकते हो। और हम लोग देख लेते कितना टाइम लगाता है, तो वही सेम प्रोसीजर है जैसे मैं बताता हूँ, आर्काइव में चले जाइए, कोई एक तो इशू का मतलब जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। ऑलरेडी मैं फाइल खोल के रखा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ऑलरेडी फाइल में ये देखो एक तो इशू में घुसा था, उसका रिलेटेड फाइल खोल के रखा था, तो यहाँ पे देखते हैं कितना टाइम लगता है। ठीक है, उसका फ्रंट वाला पेज यही वाला है। ठीक है, इसको फ्रंट वाला मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको सबको दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेपर रिसीव हुआ था, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है कि 14/3/2023 मार्च महीना में 14 तारीख को यहाँ पे रिसीव हुआ था, और यहाँ पे देख सकते हो कि मतलब 10 महीने मतलब आपका अक्टूबर महीना में लगभग 7 महीना उसको लगा था रिसर्च पेपर एक्सेप्ट होने के लिए, तो ये जर्नल का इतना टाइम लगता है, उसी हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हो। उसी हिसाब से और एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया है कि अगस्त महीना में सबमिट किया था, 23 अगस्त में, और यहाँ पे देख सकते हो कि 19/10 में यहाँ पे पब्लिश हो गया था। 19/10 का मतलब कितना हो गया, 2 महीने के अंदर यहाँ पे पेपर, मतलब 2 महीने भी नहीं, 4 दिन कम हो रहा है, 2 महीने से 4 दिन यहाँ पे कम हो रहा है। यहाँ पे जो हाईलाइट किया अभी उसी हिसाब से आप जजमेंट, थोड़ा अगर यहाँ पे फोटो मेरा आ जाएगा तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्टी लगेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि कितना टाइम लग रहा है, कहीं पे 2 महीना लग रहा है, कहीं पे भी 8 महीना लग रहा है, तो इसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि इस जर्नल में जाके थोड़ा अंदर से जाके रिसर्च खुद से कीजिए अगर यहाँ जर्नल में सबमिट करना चाहते हो। और आज का टाइम में ये देखो 1.1 साइट स्कोर हो गया, तो बहुत अच्छा खासा साइट स्कोर बढ़ गया है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि सिलेक्ट कर सकते हो अगर यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो तो इस जर्नल को। तो आईएसएन नंबर, ईएसआईएन नंबर को नोट डाउन कर लो,
1.1 साइड स्कोर, 2 महीना से 8 महीना तक यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, कंप्लीटली फ्री है, पैसा देना नहीं पड़ता है स्कोपस पे पब्लिश करने के लिए। स्कोपस पे पब्लिश करने के लिए $2,000 भी देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीटली फ्री है। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है या सोशल साइंस का रिलेटेड है, थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, रिसर्च वर्क आप सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 6 छह, तो ये 7 नंबर वाला अभी जर्नल में चलते हैं। 7 नंबर वाला जर्नल का नाम है अनुवारियो दो इंस्टीट्यूट दे जियोसेंसिया, ठीक है, बहुत खतरनाक लग रहा है, कुछ टेंशन नहीं है। रिये दो जेनेरिया, तो ये शायद ब्राजील का होगा, ठीक है, यूनिवर्सिदाद फेडरल दो रियो दो जेनेरिया, तो ये ब्राजील का लग रहा है थोड़ा बहुत नाम से। तो देख सकते हो ये पुराना वाला जर्नल है, 2004 से लेके 2023, आज का टाइम हो गया 2024, तो 2005 फरवरी 2024 में यहाँ पे क्या है कि अपडेट लिया है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि साइड स्कोर थोड़ा 0.8 से 0.6 का यहाँ पे थोड़ा घट गया है, तो उसी हिसाब से आप सोच सकते हो खुद से कि मैं यहाँ पे रिसर्च पेपर डालू या ना डालू, उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। 0.5 से अगर मैं पहला वाला, मतलब जैसे बोलूंगा कि मैं पहले पहले अगर रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ और मेरा टाइम का सबमिशन टाइम का अगर ज्यादा टाइम है मेरा पास, अगर पीएचडी का फर्स्ट ईयर में हूँ तो इस तरह का जर्नल में लिख के मेरा राइटिंग का कैपेसिटी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। एक नया वाला आएगा, मैं एक तो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ हाउ टू राइट ए रिसर्च पेपर, उसको जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी आपको रिसर्च पेपर किस तरह का लिखना है आपको आइडिया हो जाएगा। वो वाला मैं 11 है कल से स्टार्ट होगा शायद, कल से मैं स्टार्ट करूंगा, 12 फरवरी 2024 में मैं स्टार्ट करूंगा। तो अगर नया नया जर्नल लिख रहे हो तो इस तरह का जर्नल में यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने से कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर सिलेक्ट होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा तो अच्छा है, और अगर नहीं एक्सेप्ट होता है तो अपना जो लिख रहे हो उसका क्वालिटी भी थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। यह हो गया 6 नंबर वाला जर्नल, और 6 नंबर वाला जर्नल को हम दिखा देता हूँ कहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। तो ऑलरेडी मैं इसको गूगल सर्च करके रखा हूँ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च वर्क के लिए यहाँ पे क्लिक करके एंट्री कर सकते हो जर्नल के अंदर। तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली फ्री है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि सिंस जनवरी 1, 2022 जनवरी 1 से देर आर नो फीस फॉर ऑथर, तो यहाँ पे पहले पैसा लेते थे शायद, यहाँ पे अभी नहीं ले रहे हैं, उनका कुछ मीटिंग हुआ है उसका डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा, सबमिशन में जब जाओगे तभी जाके आपको मिलेगा। तो ये लोग हम लोग का पेज खुल गया है, यहाँ तो अबाउट में चलेंगे, यहाँ पे सबमिशन में क्लिक करेंगे, ठीक है। सबमिशन के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंगल लाइन में, तो इसी हिसाब से आप जजमेंट ले सकते हो कि फ्री है कि नहीं। और जैसे हम मैं अभी बताया था कि आर्काइव में चले जाओ, उसको एक रिसर्च पेपर हम लोग खोल के देखेंगे और देखेंगे कितना टाइम लग रहा है। जिस तरह का अगर कोई एक आर्काइव में जाओ, एक इशू सिलेक्ट में ये वाला वॉल्यूम 46 का मैं इशू सिलेक्ट किया हूँ, तो ये ऑलरेडी इसके 2 रिसर्च पेपर मैं खोल के रखा हूँ, ये वाला जैसे आप भी खोल सकते हो उसका आईएसएन नंबर जो मैं अभी बताऊंगा, जैसे कि ऑलरेडी मैं बताया था ये आईएसएन नंबर, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको नोट डाउन करिए, अगर थोड़ा वीडियो स्पीड हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके ये आईएसएन नंबर लिख दो। टाइम देख सकते हो कि 0.6 को उसका मतलब साइड स्कोर है, टाइम आप देख लेते हैं कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना टाइम लगता है, तो ये वाला उसका पेज हो गया, पहला वाला रिसर्च जो पेपर है, पेपर का पहला वाला पेज में मैक्सिमम टाइम में लिखा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है रिसीव हुआ था 14 नवंबर 2021, एक्सेप्ट हुआ था 4 मई 2022, तो लगभग 6 महीने यहाँ पे टाइम लगा था। और एक तो रिसर्च पेपर देखते हैं कितना टाइम लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 5 मई 2021 में रिसीव हुआ था, 11 अगस्त में पब्लिश हुआ था, तो लगभग 3 महीना लगा था। तो आप जजमेंट ले सकते हो कि अगर इस जर्नल में आप सबमिट करना चाहते हो तो 3 महीने से 5 महीने तक ये सब वेरिएशन होता है। अगर ज्यादा देखना चाहते हो कि कितना टाइम वेरिएशन होता है उसका, एक इशू में चले जाओ, सब रिसर्च पेपर को जाके खोल के देखिए कितना टाइम लग रहा है। इतना 13 जर्नल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ अभी, अगर हर एक मतलब रिसर्च पेपर को खोल के आप लोगों को दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो इस तरह का जर्नल में जाके खुद सर्च कर सकते हैं। मैं तो एक बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आईएसएन नंबर को नोट डाउन करिए, ताकि बार बार मेरा वीडियो को आप मत देखिए, आपको टाइम सेव हो जाएगा अगर सिर्फ आईएसएन नंबर को सेव कर रहे हो। जितना 13 वाला जर्नल बताऊंगा सब आईएसएन नंबर को आप नोट डाउन करिए, ठीक है। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब 8 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। 8 नंबर वाला जर्नल का नाम है आटोम इंडोनेशिया, ठीक है, क्या नाम है, आटोम इंडोनेशिया। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्कोपस कवरेज है 2010 से लेके 2023 का टाइम है,
तो आज का टाइम हो गया 2024, तो उसको हम लोग क्या कहाँ से देख सकते हैं कि साइट स्कोर ट्रैकर से देख सकते हैं 5 फरवरी 2024 में ये अपडेट लिया है, मतलब अभी ये स्कोपस में इंक्लूडेड है, फरवरी महीने में डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 1 पॉइंट साइट स्कोर बढ़ गया है, 0.8 से बढ़ के 1.0 उसका हो गया है, साइट स्कोर बढ़ गया है। तो अगर रिसर्च पेपर मतलब इस जर्नल में सबमिट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो हम लोग देखेंगे कि जो सब्जेक्ट एरिया है एनवायरमेंटल साइंस का क्या क्या है। जैसे कि देखो वो एनवायरमेंटल साइंस का वो बोल रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट अगर डिस्पोजल का रिलेटेड रिसर्च वर्क आपका है तो इस जर्नल में आप सबमिट कर सकते हो। उसी हिसाब से आप मल्टीडिसिप्लिनरी है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूक्लियर एनर्जी इंजीनियरिंग के रिलेटेड है, बायो रेडियोलॉजी, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग के रिलेटेड है, न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स, रेडिएशन के रिलेटेड। यहाँ पे अगर आपका रिसर्च वर्क कोई कर रहा है तो इस जर्नल में भी क्या कर सकता है कि सबमिट कर सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं नेशनल न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी है, तो वेस्ट मैनेजमेंट और डिस्पोजल के रिलेटेड मैक्सिमम चीज है। तो न्यूक्लियर और इंटरडिसिप्लिनरी है, न्यूक्लियर एनर्जी और वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ रिसर्च वर्क है, तो यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। साइट स्कोर 1.0 हो गया, यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी ये क्या है कि स्कोपस में इंक्लूडेड है। तो इसको आप क्या कर सकते हो कि जाके गूगल में सर्च कर सकते हो, तो ये वाला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार तो जर्नल में जाओगे तो उसके अंदर घुस सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस कहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन इसको आप पढ़ सकते हो, विल नॉट हैव एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, क्लियरली मेंशन हुआ है, ठीक है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, ये जूम कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एवरी आर्टिकल सबमिटेड टू दिस जर्नल विल नॉट हैव एनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज, दिस इंक्लूड सबमिटिंग, पीयर रिव्यूइंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, मेंटेनिंग आर्काइव एंड अलोइंग इमीडिएट एक्सेस टू फुल टेक्स्ट वर्सन ऑफ दिस आर्टिकल। मतलब पेपर एक्सेप्ट होते होते ही आपका आ जाएगा ऑनलाइन में, ठीक है। ये कम्प्लीटली स्कोपस का है, देख सकते हो क्यू फॉर जर्नल का है, और यहाँ पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो ये आपको क्या कर सकते हो कि इसको सिलेक्ट कर सकते हो अगर रिसर्च पेपर्स यहाँ पे सबमिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल प्रोसेसिंग जो है, यहाँ पे अगर अबाउट द जर्नल में चले जाओगे तो आर्टिकल प्रोसेसिंग में क्लिक करोगे तो वही वाला पेज आ जाएगा जो मैं आपको अभी दिखाया, ठीक है। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, यही वाला पेज में आ जाएंगे। तो इस जर्नल का आईएसएन नंबर आप नोट डाउन कर दीजिए, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस होता है, इसका पेपर प्रिंट नहीं होता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऑनलाइन में आता है तो अगर यहाँ पे पेपर एक्सेप्ट होता है तो आपका स्कोपस का पेपर हो जाएगा। तो और स्कोपस का साइट स्कोर देख सकते हो कि वो 1.0 का साइट पेपर होगा, आगे जाके ये बढ़ेगा भी, ठीक है। तो 2356 5322 उसका आईएसएन नंबर को अभी पेपर पेन में लिख दो, और साइट स्कोर लिख दो 1.1 सॉरी 1.0, और ये कितना टाइम लगता है उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलरेडी मैं उसका आर्काइव में जाके, ठीक है, आर्काइव यहाँ पे मिल जाएगा कहीं पे, ये देखो ये वाला देखो आर्काइव है, इसको अगर क्लिक करोगे तो उसका कोई एक तो इशू में निकल जाएगा। देखो ऑलरेडी मैं खुल के रखा हुआ है एक इशू को, और हर एक इशू का ये वाला देख सकते हो पीडीएफ को, अगर यहाँ पे जाके ओपन न्यू विंडो मारोगे तो इस तरह का पीडीएफ आएगा, नहीं तो डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड होगा तो आप जाके उसका थोड़ा डिटेल में अंदर जाके देख सकते हो, और यहाँ पे देख सकते हो कि 28 दिसंबर 2022, मतलब जनवरी महीना 2023 में हिसाब से पकड़ लो, और अगस्त 2023, तो लगभग 8 महीने यहाँ पे लगा है रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। और एक तो रिसर्च पेपर में दिखा देता हूँ कितना टाइम लगा है, तो उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, सितंबर महीना 2022 में, और देख सकते हो सितंबर महीना 2023, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होने के लिए 1 साल लगा है। तो अगर इस जर्नल में अगर आप सबमिट कर रहे हो तो उसी हिसाब से अपना माइंड में मेकअप करना चाहिए कि 1 साल भी लग सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर सकते हो, 2552356 5322 उसका आईएसएन नंबर है। नेक्स्ट जर्नल चलते हैं, नेक्स्ट जर्नल का नाम है, कितना हो गया, ये कितना नंबर जर्नल है, फिर से गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये 9 वाला जर्नल है, ठीक है। एक वाला पहले हम लोग काट लेते हैं, 9 वाला जर्नल है, ठीक है। ये कोलंबिया फॉरेस्टल इसका जर्नल का नाम है। अभी देख सकते हो साइट स्कोर 0.8 है, 2016 से लेके 2023 का स्कोपस कवरेज था, लेकिन आज का टाइम के हिसाब से देखेंगे तो फेब्रुवरी महीना 2024 में यहाँ पे खुद ऑपरेट लिया है। तो आप देख सकते हो कि 1.0 अभी बढ़ के साइट स्कोर हो गया, 0.8 से बढ़ के 1.0 हो गया, और फेब्रुवरी महीना में ये स्कोपस में है, स्कोपस में डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने के लिए, सोच सकते हो, ठीक है। मतलब एनवायरमेंटल साइंस का जितना भी स्टूडेंट है उन लोगों के पास मतलब ऑप्शन रहना चाहिए कि नहीं, मैं कोई रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए कि मेरा 10-12 फ्री जर्नल चाहिए, वो वाला अपॉर्चुनिटी मैं इस यूट्यूब वीडियो में यूट्यूब चैनल में दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए इतना मेहनत करने के लिए। और बहुत एडवर्टाइजिंग हो गया, चलो यहाँ पे देख लेते हैं इस जर्नल को,
और सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली मेंशन हुआ है, एनवायरमेंटल साइंस का नेचुरल एंड लैंडस्केप कंजर्वेशन, उसके साथ थोड़ा बायोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बायोलॉजी के रिलेटेड है, और सॉइल साइंस फॉरेस्ट के रिलेटेड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल साइंस के रिलेटेड ही है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर लेते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है कम्प्लीटली फ्री है और कितना टाइम लगता है। तो ये वाला जो पहला वाला लिंक है वही वाला है, वही रिविस्टर्स जो लग रहा है मुझे ब्राजील का ही है, उन लोगों का लैंग्वेज है, इतना जनरल देख रहा हूँ ना, वो लग रहा है लैंग्वेज से कंफर्म नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो, मैं दिखा दूंगा अभी। देखो कहाँ पे लिखा हुआ है, अभी ये थोड़ा लिंक डीएक्टिवेट हो गया, नहीं नहीं ठीक है। देखो यहाँ पे आइटम प्रोसेसिंग कॉस्ट का ये लिखा हुआ है, कोलंबिया फॉरेस्टल डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर एप्लीकेशन इवेल्यूशन एंड पब्लिकेशन ऑफ सबमिटेड आर्टिकल। तो यहाँ पे कुछ चार्जेस नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है तो पब्लिकेशन डज नॉट जनरेट एनी कॉस्ट फॉर ऑथर्स और रीडर्स, क्योंकि उन लोगों को कुछ मिल रहा होगा, पैसा मिल रहा होगा कहीं से, मतलब कोई दे रहा होगा उन लोगों को वो सिस्टम चलाने के लिए, मतलब ये जनरल चलाने के लिए, तो वहां से वो लोग अगर पैसा मिलता है तो वो कम्प्लीटली फ्री कर देते हैं, जैसे कि ये वाला फ्री वाला है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, पूरा ऊपर जाना पड़ेगा, तो आपको जाना पड़ेगा फोकस एंड स्कोप में। तो ये वाला पेज हम लोग को खुला था, तो अबाउट में चले जाइए, ये वाला हम लोग गूगल से आए थे, ठीक है, यहाँ पे चले जाएंगे फोकस एंड स्कोप में। तो अबाउट द मैगजीन में चलते हैं, अबाउट द मैगजीन में चलेंगे, उसको थोड़ा लोड होने के थोड़ा टाइम लगा रहा है, तो ये वाला अबाउट द मैगजीन में आएगा, तो यहाँ पे डिटेल में आएगा, तो आपको पूरा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है, नीचे कहीं पे एक तो लिखा हुआ था आइटम प्रोसेसिंग कॉस्ट में, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री है। तो इस तरह आप जाके खुद आईसीएसएन नंबर को लगा के आप खुद भी सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि कितना पैसा ले रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग टाइम के बारे में देखेंगे तो ऑलरेडी इस तरह का आर्काइव में जाइए, कोई एक तो इशू को पकड़िए, और इशू को पकड़ने के बाद यहाँ पे देखो पीडीएफ इंग्लिश लिखा है, इसको राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन द न्यू लिंक, मतलब न्यू विंडो में जाइए, ठीक है। तो ये हो गया, देखो जुलाई 18 जुलाई 2022 का, और यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल महीना, तो देख सकते हो कि लगभग ये 6 4 10 महीना यहाँ पे टाइम लगा हुआ है। तो उसी हिसाब से आपका डिसीजन ले सकते हो, अगर और जानना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बाकी जो रिसर्च पेपर है उसको भी जाके चेक कर सकते हो कितना टाइम लगा हुआ है, ठीक है। 10 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, नाम है ज्ञाना बोटानिका, और देख सकते हो 2022 से लेकर 2023 तक कंटिन्यूअसली 20 साल तक 20 21 साल हो गया चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी दे कंसेप्शनिया, और आईएसएन नंबर ईएसएन नंबर को नोट डाउन कर लो, और देख सकते हो आज के टाइम में थोड़ा उसका साइट स्कोर घट गया है, लेकिन 5 जनवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, स्कोपस कॉपरेज लिखा हुआ है जैसे कि 2023 तक, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि फेब्रुआरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, रिसर्च पेपर आपका सबमिट कर सकते हो। रिसर्च एरिया हम लोग देख लेते हैं, जो सब्जेक्ट एरिया है इकोलॉजी का, एनवायरमेंटल साइंस का कोई इकोलॉजी का अंडर काम कर रहा है तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकता है। उसका बाद हॉर्टिकल्चर और प्लांट साइंस का रिलेटेड है तो यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हैं, उसी इसको हम लोग गूगल में सर्च करेंगे, ऑलरेडी मैं खुल कर रखा हूँ ये वाला, इस वाला लिंक को आप जा सकते हो। लिंक जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ, ज्ञान बोटानिका ऑल्सो रिसीव बुक बुक फॉर रिव्यू नोटिस सेस ऑफ साइंटिफिक इवेंट एंड ऑबिटोरीज व्हिच आर पब्लिश्ड फ्री ऑफ चार्ज फॉर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज पब्लिश होता है, कम्प्लीटली मेंशन कर दिया है, और यहाँ पे देखेंगे कितना टाइम लगा रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आर्काइव में जाइए एक तो इशू निकालिए, सेम प्रोसेस है, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कर दीजिए एक बार दो बार, उसके बाद मुझे मेरा वीडियो भी आपको देखना नहीं पड़ेगा, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर भी आ जाएगा, आप किस तरह का मतलब जाके ढूंढ सकते हो अपना रिसर्च पेपर। तो यहाँ पे मैं देखा कि ये जो रिसर्च पेपर का पहला पेज में लिखा रहता है कि कितना मतलब कब रिसीव होता है कब एक्सेप्ट होता है, यहाँ पे थोड़ा मुझे नहीं मिला है, लेकिन ये वाला जर्नल फ्री है जैसे मैं क्या अभी दिखा है, यहाँ पे कम्प्लीटली फ्री लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उस जर्नल को जाके फिर से क्या कर सकते हो कि थोड़ा रिसर्च कर सकते हो, कम्प्लीटली फ्री है और थोड़ा टाइम दो कि अंदर क्या लिखा हुआ है आपको, तो जब रिसर्च पेपर सबमिट करोगे उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथर गाइडलाइन पढ़ना पड़ेगा, तो उसको टाइम दे सकते हो उसको जानने के लिए, ठीक है। ये 10 नंबर वाला था, उसके बाद 11 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं, 11 नंबर वाला जर्नल का नाम है हसनुद्दीन लॉ रिव्यू है नाम, देख सकते हो 2017 से 2023 उसका दिया है स्कोपस कवरेज,
और यहाँ पे देखो अभी 0.8 से बढ़ के पूरा खतरनाक 1.5 साइड स्कोर हो गया। अब 5 फरवरी 2024 में खुद यहाँ पे अपडेट लिया है, मतलब स्कोपस में कंटिन्यू चल रहा है फेबर महीने का 2024 का, और डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, नहीं तो यहाँ पे लिखा रहता था। और 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है मंथली बेसिस में, मतलब अभी चल रहा है, जनरल चल रहा है स्कोपस में, ऐसा नहीं कि डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। और सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देख सकते हो कि एनवायरमेंटल साइंस का रिलेटेड है, यहाँ पे देख सकते हो एनवायरमेंटल साइंस मिसेलेनियस हो सकता है, मतलब कुछ भी एनवायरमेंटल साइंस का रिसर्च एरिया में यहाँ पे आप सबमिट कर सकते हो। उसके बाद मल्टीडिसिप्लिनरी है, तो सोशल साइंस का है, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन का रिलेटेड है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और लॉ के रिलेटेड है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल साइंस का रिसर्च पेपर डाल सकते हो और लॉ सोशल साइंस का रिलेटेड भी डाल सकते हो। और 1.5 साइड स्कोर हो गया, तो आईएसएएन नंबर को अपना पेन एंड पेपर में इसको क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। आईएसएएन नंबर है 2442-9880, ईएसएन नंबर हो गया 2442-9899, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा मतलब कितना पैसा लेता है और टाइम कितना लेता है, ठीक है। पहला वाला लिंक ये है, मैं 2-3 लिंक चेक किया हूँ, पहला वाला लिंक है और दिखा देता हूँ कितना टाइम लगा हुआ है। देखो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल प्रोसेस चार्ज, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, जैसे यहाँ पे देखो सबमिशन के लिए 0 लेता है, प्रोसेस पब्लिकेशन के लिए भी 0 लेता है, तो यहाँ पे पैसा चार्ज नहीं होता है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, थोड़ा ऊपर जाइए जनरल का, यहाँ पे देख सकते हो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि पैसा नहीं देना पड़ेगा। और मतलब कोई भी जनरल में अगर जा रहे हो तो वहां पे क्या कर सकते हो, उसका स्कोप एमआर स्कोप में जाइए, तो उसको आपको वहां पे मिल जाएगा, मतलब कौन कौन सा रिसर्च वहां पे पब्लिश होता है। अगर वहां और भी ज्यादा डाउट लग रहा है कि जो मेरा रिसर्च एरिया यहाँ पे आता है कि नहीं, आपका उसका आर्काइव में जाइए, जो जो रिसर्च पेपर पहले से पब्लिश हुआ है उसको हिसाब से आपका रिलेटेड है कि नहीं, उसको भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का आप चेक कर सकते हो कि एपीसी के बारे में वही चीज है। और देख लेते हैं कितना टाइम लगाता है उसके लिए, एक पेपर में ये वाला एक इशू मैं खुल के रखा हूँ, असल दिन लॉ रिव्यू का, और यहाँ पे थोड़ा मैं देख रहा था, ठीक है, उसका भी पहला वाला पेज को थोड़ा दिखाया, यहाँ पे ये वाला पेज आ जाएगा जब उसको खोलोगे आप, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से जूम किया, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं पता चला कितना टाइम लगा है, ठीक है। लेकिन ये वाला जर्नल फ्री है, जहाँ पे हम लोग अभी देखे कि एपीसी चार्जेस नहीं लेता, जैसे यहाँ पे देखो एपीसी चार्जेस नहीं लेता है इसको, लेकिन यहाँ पे अगर कुछ टाइम कितना टाइम में पेपर पब्लिश होता है, अगर आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मेरे साथ भी शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर है, आप भी होंगे जो मेरा वीडियो देख रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप होंगे, अगर आपके पास भी इन्फॉर्मेशन होगा तो मुझे वो वाला कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो, ताकि बाकी लोगों को भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर वाला जर्नल में। 12 नंबर वाला जर्नल का नाम है इन्फॉर्मेस दे ला कंस्ट्रक्शन, 2018 से लेके 2023 तक उसका क्या है, स्कोपोस्कोप रेज है, लेकिन आज हो गया 2024, तो इसको लिए हम स्कोपोस साइट्स को ट्रैकर 2023 के हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 5 फरवरी 2024 में अपडेट लिया है और 0.8 से बढ़ के 0.9 हो गया, मतलब यहाँ पे पेपर पब्लिश हो रहा है, सबमिशन हो रहा है, साइटेशन हो रहा है और अभी भी कंटिन्यू में चल रहा है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। इसलिए उसका क्या कर सकते हो कि रिसर्च एरिया अगर देखना चाहते हो, यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। 0.9 साइड स्कोर कुछ खराब नहीं, आगे जाएगा और भी बढ़ेगा शायद, वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्कोपस का रिसर्च पेपर है और आईएसएन नंबर इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये कम्प्लीटली फ्री है और साइड स्कोर हो गया 0.9 है, कितना टाइम लग रहा है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। इसको जाके हम लोग क्या कर सकते हैं कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं, ये वाला पहला वाला लिंक है, ठीक है, ऑलरेडी मैं देख के रखा हूँ इसलिए मैं बोल देता हूँ पहला वाला लिंक है, लेकिन अगर आप जब खोल ले तो पहले 5, 6, 10, 15 लिंक पूरा पेज को जैसे स्क्रॉल करके गूगल का पूरे नीचे तक जाइए, और अच्छे से जब पहले मतलब जब फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि इस जर्नल में मुझे डालना है, तो अच्छे से उसका देखिए। जैसे कि यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे जो देखो लिखा हुआ है 1988-3234, और हम लोग यहाँ वाला खोला, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1988-3234, यहाँ पे ईएसआईएन नंबर सेम है। और इस जर्नल का और एक बेनिफिट है कि ये मतलब वेब ऑफ साइंस का है, क्लैरिवेट का देख रहे हो, क्लैरिवेट का है और स्कोपस का है, यहाँ पे दोनों बेनिफिट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कितना चार्जेस लेते हैं पैसे के बारे में आप लोग का इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो, हाईलाइट नहीं किया हूँ, अरे भाई हाईलाइट करना चाहिए था, मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है, मैं शायद ये इस वाला लिंक में, हाँ ये वाला देखो क्लिक किया हूँ,
वो बहुत डिफिकल्ट से मिला है ओपन एक्सेस में कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैसा नहीं चार्जेस होता है। तो पब्लिकेशन इन दिस जर्नल इज फ्री ऑफ आरटीएल प्रोसेसिंग चार्जेस, डज नॉट इम्पोज एनी कॉस्ट ऑन ऑथर। ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? आपको जाना पड़ेगा ओपन एक्सेस पॉलिसी में। तो आप लोगों को ये वाला पेज में हम लोग आए थे गूगल से, जब सर्च करके आओगे तो यहाँ पे पेज में आओगे तो यहाँ पे जाएंगे ओपन एक्सेस पॉलिसी, यहाँ पे फोकस एंड स्कोप, मतलब आप किस तरह का रिसर्च पेपर यहाँ पे सबमिट कर सकते हो उसके बारे में फोकस एंड स्कोप में बताता है। और यहाँ में हम लोग जाएंगे ओपन एक्सेस पॉलिसी, जहां पे लिखा हुआ है कि पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्पैनिश और इंग्लिश, तो उसी हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो इंग्लिश में, तो जितना भी लिखा वर्ड है स्पैनिश में वो कन्वर्ट कर देगा इंग्लिश में, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप चेंज कर सकते हो। और टाइम कितना लगता है एक रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के लिए? आप वही सेम प्रोसीजर है, आप क्या करिए कि एक तो आर्काइव में जाइए, आर्काइव में जाइए एक पेपर रिसर्च पेपर को खुल के चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ, ये वाला देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन दे ला कंस्ट्रक्शन या, ठीक है। और ये इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो, ऐसा नहीं सबमिट नहीं कर सकते हो इसमें। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा हुआ है, जैसे कि 8/2022 में यहाँ पे रिसीव हुआ था और 4/2023 में एक्सेप्ट हुआ था, 8 महीना इस जर्नल में लगा था। अगर आपको जानना है इस जर्नल के बारे में डिटेल में, हर पीडीएफ को जाके चेक कीजिए ओपनिंग विंडो में, तो उसी हिसाब से आपको टाइम पता चल जाएगा, जैसे कि हम लोग अभी दिखे। तो अगर इस जर्नल में सबमिट करना चाहते हो तो ये वाला आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर लो, और यहाँ पे देख सकते हो 0.09 साइड स्कोर है। और लास्ट वाला जो है जर्नल नंबर 13, जो कि कम्प्लीटली फ्री है, ये जो साइड स्कोर 8 में, ठीक है, टेक्सास वाटर जर्नल है, नाम है टेक्सास वाटर जर्नल, 0.8 है उसका साइड स्कोर, और 2010 से लेके 2023 तक वो क्या है स्कोपस कवरेज है, और देख सकते हो अभी थोड़ा बढ़ गया है, 0.9 हो गया, और 5 फरवरी 2024 में यहाँ पे अपडेट लिया है, तो अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है। आप जब देख रहे हो उसी हिसाब से जाके आईएसएन नंबर को स्कोपस में जाके चेक करिए। ईएसआईएन नंबर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया में प्रोड्यूस करता है, पेपर पेट अभी नहीं निकलता, आजकल ऑनलाइन का दुनिया हो गया, इसलिए कोई कोई मैं नया वाला जो जर्नल देखता हूँ वो अपडेट करके सिर्फ ईएसआईएन नंबर रखते हैं, आईएसएन नंबर भी नहीं रखते, पेपर पेट भी नहीं रखते हैं। सब्जेक्ट एरिया देख सकते हो कि एनवायरमेंटल का रिलेटेड क्या है, ऑलरेडी हम लोग को व्यू ऑल में जाना पड़ेगा, एनवायरमेंटल का रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर साइंस टेक्नोलॉजी का हो गया, उसके बाद एनवायरमेंटल साइंस का मैनेजमेंट मॉनिटरिंग पॉलिसी एंड लॉ के रिलेटेड है, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इकोलॉजी इवोल्यूशन बिहेवियर सिस्टमेटिक्स एक्वाटिक साइंस इंजीनियरिंग का कुछ भी रिलेटेड है, ओशन इंजीनियरिंग का रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि रिसर्च पेपर सबमिट कर सकते हो। और पब्लिशर का नाम है टेक्सास एएम यूनिवर्सिटी, टेक्सास वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट, तो इसको आप क्या करिए कि इसको जाके गूगल में सर्च कीजिए, ठीक है, ये वाला पहला वाला उसका है, तो आप क्या कर सकते हो कि इसको जाके सर्च कर सकते हो। फ्री वाला जर्नल में मैक्सिमम फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्री वाला है, पैसा नहीं मिलेगा, फ्रॉड जो करेगा उसको तो पैसा चाहिए ना, ठीक है। ये वाला खुल रहा है लिंक, ये वाला आ गया, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे अबाउट में जाइए, अबाउट द जर्नल में क्लिक कीजिए, तो ये वाला पेज चेंज होके ये वाला इस तरह का आ जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना पैसा लेता है, तो ऑलरेडी मैं कहीं पे हाईलाइट करके रखा हूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टेक्सटाइल वाटर जर्नल डज नॉट चार्ज ऑथर पब्लिकेशन फी, थोड़ा ऊपर ले जा रहा हूँ, पब्लिकेशन फी कुछ चार्जेस नहीं कर रहा है, तो ये वाला इन्फॉर्मेशन कहाँ पे मिलेगा आपको? तो उसके लिए आपको क्या मैं ढूंढना पड़ेगा, एमआर स्कोप में हम लोग गए थे ना, तो उसी के नीचे था ये वाला पेज, अभी खुला था, तो हम लोग आए थे यहाँ पे अबाउट में गए थे, अबाउट द जर्नल में गए थे, उसके बाद ये वाला पेज खुला था, तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करोगे तभी जाके आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो ये वाला लाइन में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप कोई जर्नल में जा रहे हो ढूंढ रहे हो तो इस तरह का आपको पढ़ना पड़ता है, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ता है, ये 13 जर्नल ढूंढने के लिए लगभग अभी मेरा 8 से 9 घंटा हो गया है, ठीक है, इतना टाइम खर्चा हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो एफर्ट तो लगता है आप, लेकिन मुझे वो इन्फॉर्मेशन भी आपको देना है कि फ्री जर्नल अवेलेबल है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। और देख सकते हो ये फ्री है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगाया, टाइम लगने में कितना लगता है, उसके लिए भी सेम प्रोसेस है, आर्काइव में जाइए, कोई एक तो इशू निकाले, जैसे वॉल्यूम 14 नंबर 1 2023 का मैं चेक कर रहा हूँ, और वहां पे जाइए एक तो रिसर्च पेपर को खोलिए, और अगर वहां पे पहला पेज में रहता है तो अच्छा है, अगर नहीं रहता है तो वो जर्नल के अंदर जाके आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये वाला लाइन देख सकते हो, रिसीव हुआ है
फेब्रुवरी 2022 में, एक्सेप्ट हुआ है सितंबर 2022 में, मतलब ये 9 2 7 महीना का टाइम लगा है। अगर और ज्यादा जानना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कि आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर लो पहले, ये वाला आईएसएन नंबर है 2160। आईएसएन ने सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोड्यूस करता है ये आईएसएन नंबर, आईएसएन नंबर होता है पेपर प्रिंट वाला 2160-5319, इसको सिलेक्ट कीजिए, स्कोपस में जाके सर्च कीजिए और इस जर्नल के बारे में डिटेल में जाइए कितना टाइम लगता है। फिर से वही प्रॉब्लम हो गया। हैंग हो रहा है, सोच रहा हूँ कुछ जाके दुनिया दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम करूँ। रिसर्च में वो बहुत लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं, हैंग हो रहा है। ठीक है, हैंग होने दो। तो आज के लिए इतना ही है, 13 जर्नल मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ और कंप्लीटली फ्री वाला, कितना टाइम लगता है उसको मैं दिखा दिया हूँ। और आज के लिए इतना रखते हैं। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।